इस अपार्टमेंट की लोकेशन बता दें, प्राइस बता दें, यार सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खाना बना लो उधर जाके। ये सोसाइटी के गेट, वो सामने अपार्टमेंट बिल्डिंग। ये क्या स्टोरी है, ये क्या स्टोरी है, ये क्या स्टोरी है। चम्मच रिलैक्स भाई, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी कसम से देखो यार, कितनी ज्यादा हुई हुई है। लिविंग इन एन अपार्टमेंट फॉर 24 आवर्स होने लगा है गाइस। पहले अपनी जिमुशान वाली एंट्रेंस से निकल के अपनी डिस्को में एंट्री मारते हैं। ना करते हुए तुम लोगों के सामने 5 से 10 हजार साल तो हो गया मुझे अपार्टमेंट लिए हुए। तुम लोगों को ये तो मालूम है उस अपार्टमेंट में आज तक कोई बंदा नहीं रहा। मैंने कहा क्यों ना, वो पहला बंदा मैं ही हूँ जो अपार्टमेंट में ले जाके। फिक्र ना किया करो, तुम लोगों के मैसेजेस मुझे मिल जाते हैं कि इस अपार्टमेंट की लोकेशन बता दें, प्राइस बता दें, यार सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। उससे पहले यार पापा के फोन पे कवर चढ़वाने। पापा का फोन पकड़ते हैं यार अंदर से। ये पापा का नया फोन पड़ा हुआ है, पापा का नया फोन S24 अल्ट्रा। यार इसका कलर शेलर चेक करो, बड़ा जबरदस्त फोन है ये सैमसंग का। बस जल्दी से गाइस इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाते हैं, बैक कवर लगवाते हैं, फिर घर आके अपना सामान पैक करते हैं और सीधा चलते हैं अपार्टमेंट में। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है यार, आधी मार्केट बंद है आधी खुली है। काम है विद इन ये S24 का होगा स्क्रीन प्रोटेक्टर। मुझे खुद इधर दुकान पे आके पता चला कि S24 अल्ट्रा नहीं है। सीधी बात है यार, मुझे खुद भी सैमसंग के फोन का कोई नहीं पता। बैक कवर भी यार फोन का कोई नहीं मिला, और जो दूसरा प्रोटेक्टर भी लगा ना, ये देखो इधर से तुम्हें एजेस नजर आ रही हैं, ये फुल ऊपर तक नहीं चढ़ा हुआ। ऐसे तो नहीं होता है। चीजें जो है ना यार अपनी सीधा बैग में ले जाते हैं, अपार्टमेंट में ऊपर लेके जानी भी आसान होगी। बैग के अंदर यार थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े रख रहे हैं, लैपटॉप चार्जर्स वगैरह भी मैंने बैग में रख दिए। मामा यार वो बेड शीट दे देना, मामा टॉवल भी दे दे यार। एक यार इधर से अपनी जिम शर्ट भी पकड़ लेते हैं और ये प्रोटीन बार भी पकड़ लेते हैं। टॉवल और शर्ट भी इधर रख दिए, प्रोटीन बार भी इधर रख दिए। मामा यार बेड शीट रह गई है। ये तो मैं चीजें लेके जा रहा हूँ सारी, खाने का क्या करूंगा उधर मैं। एक दिन भूखा रह के देख लो, खाना बना लो उधर जाके, अगर आइडिया भी हो जाएगा तुम्हें। देखची वगैरह दूं साथ ले जाओ। ये मुझे आप यार देना बेडशीट, मुझे पता ही नहीं है मैंने खाना क्या है। पहले खाने का फिगर आउट करें ना क्या करना है, फिर उधर से ही कुछ कर लूंगा। रेडीमेड ले लो उधर से। नहीं पकाऊंगा तो मैं खुद ही, कभी घर भी पकाया करो। वेरी फनी, वेरी फनी। चले मैं जा रहा हूँ। हाँ तो बड़ी खुश होंगी। देखा गाइस यार बेटा जा रहा है तो बड़ी खुश है। एक ठंडी बोतल दे दें, बाद का गुजारा चला लेंगे। इसको करते हैं बंद जल्दी से, इसको रखते हैं गाड़ी में अंदर। भूख भी सीधी बात है अभी लग गया, क्योंकि सुबह का कुछ खाया हुआ नहीं है, तो एक प्रोटीन बार जो है ना हम अभी खा लेते हैं। थैंक यू, दाफिस। कसम से यार अभी बड़ी सख्त बचत होगी। मैं कहा निकलने से पहले इसमें देख लेता हूँ कि अपार्टमेंट की चाबी पड़ी हुई है कि नहीं। किसी चुल ने मेरे अपार्टमेंट की चाबी निकाल दी है डिस्को में से। ये देखो फॉर्च्यूनर में लगी हुई है। समझ नहीं आया यार डिस्को में से चाबी किधर चली गई। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग सामने इसके अंदर डाल रहा हूँ, अब नहीं घूमनी चाहिए। ये तो पता है तुम लोग के अच्छे खासे कमेंट्स होते हैं कि हमें इस अपार्टमेंट की लोकेशन तो बता दें। ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नए एयरपोर्ट के पास जाके आता है। तुम लोगों में से किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो यार कभी किसी यूट्यूबर के कहने पे या किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे ना करना। खुद जगह पे जाओ, खुद जगह को असेस करो, उसकी वैल्यू देखो, वो वैल्यू है कि नहीं, उसके बाद डिसीजन लेना। मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग के इतने कमेंट्स होते हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट तो है नहीं। तो पूरा अपना दिमाग वगैरह खुद जगह पे आके उस जगह की असेसमेंट करके इन्वेस्टमेंट करना। मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, इस वजह से यार तुम लोग कह रहा हूँ कि किसी यूट्यूबर के कहने पे, प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे इस तरह इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके ना करना। खुद देखो, जगह पसंद आती है तो लो, नहीं आती तो दफा करो और सो जाएगी। ऑलमोस्ट हम लोग नए एयरपोर्ट के पास पहुंच गए। सबसे पहले ना यार इस अपार्टमेंट सोसाइटी की मैं तुम लोगों को सबसे नेगेटिव चीज दिखाता हूँ। ये सोसाइटी है मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर, लेकिन सोसाइटी को अभी मेन इंटरचेंज का एक्सेस ही कोई नहीं मिला। इस तरफ देखो लेफ्ट साइड पे ये तबलीगी मरकज का गेट है, इधर से हम लोग सर्विस रोड लेके ना सोसाइटी की तरफ जाते हैं। इनकी मेहरबानी यार इन्होंने गेट खोल दिया। इधर से हम लोग सर्विस रोड लेके जाते हैं, देखो ये बिल्कुल छोटी सी सर्विस रोड है जो अभी सोसाइटी तक जाती है। ये चीजें मैं तुम लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ ना कि काफी लोग पाकिस्तान से बाहर से भी देखते हैं, उनके लिए $1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और ये सोसाइटी सब आजकल बेचती भी इसी तरह चीजें हैं कि बाहर न्यूयॉर्क में, लंदन में आपको $1 लाख का कुछ नहीं मिलता, तो पाकिस्तान में आपको ये चीज मिल जाती है। तो लेकिन यार रियलिटी भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि है क्या एक्चुअली। इतनी एक्सपेंसिव सोसाइटी है और ये इसका एक्सेस है। अब देखो सर्विस रोड पे जब मैं चढ़ा था ना, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर इधर आया हूँ, तो इधर आगे से अभी जाके ये सोसाइटी स्टार्ट होगी। लेकिन यार एक दफा इस सोसाइटी को मेन इधर से इंटरचेंज का जब कश्मीर हाईवे से एक्सेस मिल जाएगा ना, वो देखो मेन हाईवे जा रही है, वो कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे कह लो, जिस वक्त इन्हें इधर से एक्सेस मिल गया ना, तो यार इससे अच्छी सोसाइटी भी कोई नहीं। बहुत ही जबरदस्त 18 सोसाइटी है ये। इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी अच्छी मैनेजमेंट शायद मैंने आज तक नहीं देखी। 4 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए कि इन्हें एक्सेस मिल रहा है मेन इंटरचेंज का, या मिल चुका है, जो भी जब मिलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो कोई भी नहीं है। एक दफा इधर से मेन इंटरचेंज मिल गया ना आपको, ये राउंड अबाउट है, ये सोसाइटी के गेट, वो सामने अपार्टमेंट बिल्डिंग। एंट्रेंस वगैरह चेक करो, बिल्कुल A1 किस्म की। ये सामने अपार्टमेंट्स आ गए, ये अपार्टमेंट्स और ये सारी जगह ओपन गोल्फ कोर्स है। गाड़ी यार अपनी सीधा घुसाता हूँ बेसमेंट में।
पार्किंग वगैरह भी देखो यार, ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वगैरह की बहुत ही अच्छी बनी हुई है। नेगेटिव जो चीज थी ना गाइस इस जगह की, वो मैंने तुम लोगों को बता दिया, आगे सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आगे बहुत ही अच्छी है। मैं सामान छमान निकालते हैं और सीधे चलते हैं अपार्टमेंट में ऊपर। लिफ्ट खुल गई है, सामान अंदर करते हैं। मेरे पास अगर कोई प्लेटफॉर्म है ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोगों को सही चीज गाइड करूँ। ये नहीं है मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें आके अच्छी अच्छी चीजें दिखा दूँ, तुम लोगों को पूरी चीज का नॉलेज ही कोई ना। बात तो सही है। अपार्टमेंट के कॉरिडोर्स वगैरह कितने जबरदस्त है। ब्यूटीफुल अपार्टमेंट यार, हमारे लिए लेटर किसी ने फेंका हुआ है, ये क्या बात है, ये क्या स्टोरी है। इधर से अपना सामान अंदर कर लें, इधर से मेन डीबी को खोल लें। चलो देख, लाइट, वो लाइट गई हुई है। ज्यादा ही नेगेटिव रिव्यू नहीं बनता जा रहा है। पूछते हैं यार जाके, ये क्या स्टोरी है, जब बाहर लाइट चल रही है तुम्हारी अंदर की क्यों नहीं चल रही। लेटर पढ़ ले, हमें कोई एविक्शन नोटिस तो नहीं भेजी है उन्होंने। सामने भैया लाइट आ रही है, लाइट है उधर अपार्टमेंट में चल रही है, इधर कोई नहीं चल रही, अंदर आ रही है अंदर लाइट, इधर कोई नहीं आ रही। बाकियों की तो आ रही है यार, हमारी बंद है। ये लेटर भी पढ़ता हूँ, लेटर में कोई मसला तो नहीं, मेंटेनेंस मैंने पे की हुई नहीं यार। लेटर तो इस बारे में नहीं है, मेंटेनेंस तो पे हुई है, उसको मैं सोसाइटी वाले बंदे को फोन करता हूँ यार, क्या मसला। 12 seconds later उसे किया यार मैंने कॉल के लाइट और गैस दोनों ऑन करवाई यार। ये खिड़की, खिड़की खोलते हैं बाहर से यार, ओपन ओपन यार, तुम लोग खुला खुला व्यू चेक करो इधर से, अब मजा आया कि नहीं। एक दफा यार वो लाइट नीचे से ऑन कर देना, फिर अपार्टमेंट तुम लोग को अंदर से सारा चेक करवाता हूँ। अपार्टमेंट के व्लॉग यार मैंने इतनी दफा लगाए, मैं तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ ना, इतने लोगों ने लिखा होता है आई वॉन्ट टू बाय, तो मतलब आई वॉन्ट टू बाय से पहले यार पहले देख तो लो कि एक्चुअल चीज क्या। हम लोगों का यार जो टायरों का काम है, उसमें हम लोग नॉमिनल जायज प्रॉफिट रख के फिर जिस वक्त ज्यादा क्वांटिटी में चीज बेचते ना, तब जाके हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो मुझे अच्छी खासी वैल्यू ऑफ मनी का आइडिया है कि कितने मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि तुम लोग पहले चीज की सही असेसमेंट करो, उसके बाद फिर डिसीजन लो कि तुम लोगों ने चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। दरवाजा लॉक हुआ यार, कोई आया चेक करते हैं। सलाम अलैकुम यार, भैया लाइट नहीं आ रही, कॉल कर दो। होगा आज इधर ड्यूटी पे? हाँ ड्यूटी पे ही है। वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर देखे के उसको कॉल कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाईजन, भेजने नहीं आंदे, कहते चेक करते हैं। तब तक हम लोग अपने छोटे मोटे काम कर लें, ये बेडशीट डाल लें, ये सूटकेस को खोलते हैं। सूटकेस खोल के लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगाते रहे यार, क्योंकि हमें सीधी बात है कुछ पकाना तो आता नहीं जिंदगी में, हमने कुछ पकाया तो है नहीं। लैपटॉप चार्ज करके यूट्यूब पे कोई मजे की कढ़ाई चढ़ाई ढूंढते हैं, वो पकाएंगे। मैं भी जो हूँ ना सहियों का सरदार हूँ, लैपटॉप आ गया हूँ चार्जिंग पे, ये तो याद ही नहीं है कि भेजने नहीं आंदे। अपने बाकी सामान की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, पकड़ के हम लोग रखते हैं अलमारी के अंदर। जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल में चलने लगा है, तेरा दीवाना हूं कहता है वो, चुप चुप के फिर क्यों रहता है वो। क्या बात है, गैस का कनेक्शन भी ऑन कर दिया। गैस का सिलेंडर लगा था पहले? हाँ वो तो लगा हुआ था, वो नीचे से उन्होंने आरसी बंद किया हुआ था, वो भी ऑन करवा दिया। लाइट गाइज आ गई, आप तुम लोगों को अपार्टमेंट चेक करवाता हूँ यार। ये 1 bedroom अपार्टमेंट है, ये देख लो, जब एंटर होते हो ना इधर आते ही राइट साइड पे पहले एक किचन आ जाता है, ये इसका बड़ा ओपन लाउंज आ जाता है। ये लाउंज के बाद साथ ही आज इधर बेल्कनी पे, तुम लोगों ने काफी दफा देखा होगा ये बेल्कनी आ जाती है, वो सामने किचन के इस तरफ जो है ना छोटा सा ये पाउडर वॉशरूम है, ये छोटा पाउडर वॉशरूम है, और इसके साथ बस एक ये वाला बेडरूम है। ये बताओ यार मैंने ये ब्लैंकेट कैसी डाली है ऊपर, और साथ में ये जो है ये मेन इधर बाथरूम है, और बाथरूम के साथ जो ये वाली जगह है ना ये सर्विस एरिया, इधर वॉशिंग मशीन वगैरह गीजर वगैरह होता है। लैपटॉप यार जल्दी से बस चार्जिंग के ऊपर लगा दें, फिर खाने का अपने बंदोबस्त करें। ये देखो यार ये जो हॉब ओवन माइक्रोवेव वगैरह लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ तक कि अलमारियों की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनके कब्जे वगैरह जो है इनकी भी बहुत अच्छी सॉफ्ट क्लोज है, सारे चिप्स पड़े हुए हैं यार, चिप्स खाते हैं। इसके अलावा यार तुम लोग इन्वर्टर वगैरह देखो, ये सैमसंग के लगा के दिए हुए हैं, ये चीजें जो है ना कोई भी नहीं लगा के देता। ये डाइनिंग टेबल वगैरह जो है मैंने खुद परचेज किए, सोफा मैंने परचेज किया, ये अंदर जो बेड साइड टेबल वगैरह पड़े हैं, जो कर्टन वगैरह है ये सारे मैंने खुद परचेज किए हुए। बाथरूम के अंदर जो फिटिंग्स वगैरह लगाए मैंने, सारे ग्रोए के फिटिंग्स लगाए हुए। अगर तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा पता होगा तो तुम लोगों को पता होगा ग्रोए वगैरह की फिटिंग्स कितनी एक्सपेंसिव है। मैंने अपने नए वाले घर में भी ये फिटिंग्स नहीं लगवाई। आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो उसका इशू लाजमी निकलता है। बात ये होती है कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। 18 वगैरह की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, एक कॉल करो तो आपका जो मसला हो साथ ही रिजॉल्व हो जाता है। मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो महीने के मैं 19,000 रुपए देता हूँ। मैं कहता हूँ वो वर्थ इट है, क्योंकि देख लो यार कॉरिडोर इतने बड़े हैं, नीचे लॉबी इतनी बड़ी है, उधर हर वक्त एसी लाइट सिक्योरिटी हर वक्त प्रोवाइड करके रखते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। अब कहते हो तो थोड़े नेगेटिव्स की तरफ भी आ जाते हैं। डाइटिंग भी कर रहा हूँ लेकिन भूख सीधी बात है लग गई, तो खाने को तो हमारे पास कुछ है ही नहीं।
इधर यार गाइस मैं बंदों को बुला लिया कि मुझे पूरा अपार्टमेंट साफ कर दें। बाथरूम पहले दिलवा देना, एक वो अंदर है एक ये है, तो वो दोनों साफ कर दें। तुम लोगों को यार मैं नेगेटिव्स भी सही से बताऊंगा कि तुम लोगों का परचेज डिसीजन जो है ना वो बिल्कुल वर्थ इट होना चाहिए। जब से मैंने अपार्टमेंट लिया ना तब से ये सिंक जो है ना इसके ऊपर ये देखो पक्के कोई निशान पड़े हुए। ये उस वक्त का मैं उन्हें कह रहा हूँ कि रिप्लेस करके दें यार, 15-20 हज़ार रुपए का होना है, इससे क्या महंगा होना है। 30 हज़ार रुपए का होगा, जब मैं इतना महंगा अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ तो मैं ये चीज नहीं बदलवा सकता कोई। अब तुम लोगों को पता तो है तुम्हारा भाई कंस्ट्रक्शन में, अपनी चीजें हमने खुद बनाई है, एक एक चीज पे निगरानी रख के नहीं है कि चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती लेकिन जितनी साफ हो तो उतनी अच्छा है। बड़ी इंपॉर्टेंट तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन टिप दे रहा हूँ, अगर तुम लोग कभी खुद घर बने तो इम्प्लीमेंट कर लेना, किसी दोस्त का बन रहा है तो उसको बता देना। जिस वक्त घर में बेडरूम या लिविंग रूम के अंदर टाइल लगने लगे ना, तो टाइल लगने से पहले जमीन पूरी जीरो लेवल की प्लास्टर होती है। वो प्लास्टर इसलिए होती है कि आपकी टाइल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लगे कि उसके ऊपर ये फर्नीचर जो है ना ये बैठ जाए। अब ये टाइल्स जो है नो डाउट उन्होंने अच्छी लगवाई है लेकिन काम की इंस्पेक्शन की कोई नहीं। अगर काम की इंस्पेक्शन की होती तो ये फर्नीचर जो है ये देखो ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। नीचे जमीन ही नहीं बराबर इनकी, मतलब जब 100% जब तक लेवल ना हो तब आपका फर्नीचर यूं करेगा। ये चीज तो मेरे नए वाले घर में मुझे ला के दिखा दो ना, कोई आपका फर्नीचर टिक 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 करता है तो फिर मैं बताऊं तुम लोगों को। ये देखो इधर अपनी हिल रही ना, अब देखो इस जगह पे सीट को पीछे ले आया हूं ना बिल्कुल भी नहीं हिल रही। इस जगह पे लेवल ठीक है, इसका वो सारा लेवल गलत है। ये काम तब होता है जिस वक्त आप ठेकेदार को काम दे दो ना, उसके बाद आप काम ही ना चेक करो। लेवल से स्लोप वगैरह निकलती है आपकी वॉशरूम्स की, मतलब जो पानी जाए ना वो सीधा ड्रेन के अंदर चला जाए। यार क्या क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, ऊपर से लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं। सफाइयां वगैरह मैंने शुरू करवा दी, बाथरूम की भी सफाई अभी होनी है। ये देखो सर्विस एरिया का भी सारा स्लोप गलत है, पानी देखो सारा इस तरफ आ रहा है, ड्रेन जो है वो गीजर के नीचे है, पानी उस तरफ जाना चाहिए, उल्टा पानी सारा जिस वक्त बारिश हो तो इधर आके खड़ा हो जाता है पानी। सारे पैसे जो है ना वो इस ओपन व्यू के हैं। और बाकी देख लो यार सोसाइटी में एक कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है, बिल्डिंग के हमारे इस तरफ भी काफी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है। जिस वक्त ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे वो इन्हीं अपार्टमेंट्स में आके रहेंगे, एक वैल्यू इनकी उस वक्त ज्यादा बढ़ जाएगी और दूसरा जिस वक्त इन्हें मेन इंटरचेंज का एक्सेस मिल गया ना उस वक्त इनकी वैल्यू बढ़ेगी। और प्राइस यार इन अपार्टमेंट्स की वाकई बहुत ज्यादा है, मैंने तो बड़े अच्छे टाइम पे कोविड के टाइम्स पे ले लिया था। अगर तुम लोगों को सही प्राइस चाहिए तो मेरे से बेहतर है कि तुम लोग सोसाइटी वालों के पेज पर डायरेक्ट मैसेज करो तो वो तुम लोगों को खुद ही कॉल करके बता देंगे कि आजकल अपार्टमेंट की प्राइस क्या चल रही है। यार इधर ये सोफे हटा के भी पीछे से सफाई कर देना। चिकन कढ़ाई रेसिपी, तीनों में से ये वाली अच्छी लग रही है मजे की, मतलब थंबनेल में तो मजे की लग रही। गर्मी अभी यार बहुत ज्यादा, फैन ये लोग नहीं देते, एसी ये लोग देते हैं, तो एसी मैंने अभी ऑन नहीं किया क्योंकि खिड़कियां भी खुली हुई हैं, दरवाजे वगैरह भी अभी सारे खुले हैं क्योंकि सफाइयां वगैरह चल रही। देखने में तो गाइस बड़े मजे की चीज लग रही है, तो यही बनाते हैं हम। जिंदगी में कभी मैंने खाना नहीं पकाया तो आज जो होगा तुम लोगों के सामने ही होगा। इसके बस इंग्रेडिएंट्स लिख लेता हूं ना फिर मार्केट से जाके लेके आता हूं। हेलो हेलो, हां सुंदर यार ये मुझे बताओ ये सॉल्ट टू टेस्ट लिखा हुआ है, आगे 1 TSP लिखा हुआ है, ये 1 TSP जो है टीस्पून है टेबलस्पून है? टीस्पून है ना। चलो बस ठीक है, बस यही पूछ रहा है, थैंक यू। रेसिपी आ गई तुम्हारे भाई के पास, अभी चलते हैं सामान लेने, बस इधर सफाई कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो जाए फिर निकलते हैं। ये देखो ये लेक इधर से फिल हो रही है, 250-300 साल तो मुझे हो गए देखते हुए ये लेक फिल हो रही है। जगह जो है वेकेशन होम के लिहाज से बड़ी अच्छी, बड़ी सुकून वाली जगह है, दूसरा बंदा कोई नहीं होता तो मजा आता है। सफाई मैंने पूरी करवा ली, अब चलते हैं कढ़ाई का सामान लेने। सामान जो है घर रात के खाने का आ रहा है क्योंकि अभी ऑलरेडी 3:30 हो गए, तो अभी तो कुछ बाहर से ही खाता हूँ तो साथ में सामान ले आते हैं। खुल जाए उसको, मैंने कहा तो था गैस तो खोल दे, पता नहीं हमारे अपार्टमेंट की खोली है या नहीं, उसने चेक कर लूं। ठीक है भाई गैस खोल दी। गाइस अगर कभी अच्छी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लो ना तो बेसमेंट पार्किंग पहले ही निगोशिएट कर लेना, क्योंकि जिस तरह अभी ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है इसके साथ ये लोग पार्किंग नहीं देते। अगर तुम लोग कहोगे बाद में मुझे बेसमेंट पार्किंग चाहिए तो ना करते हुए 10-15 लाख की तो तुम लोगों को ये बेसमेंट पार्किंग चिपका देंगे। खुल जा सिम सेम, अगर पार्किंग निगोशिएट नहीं करोगे ना तो तुम लोगों की गाड़ियां इधर बाहर खड़ी होंगी, सारा दिन इधर धूप पड़ती रहती है। सबसे बड़ा इस सोसाइटी का मसला ये है कि इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन्होंने बना दी है ना, तो कोई ग्रोसरी स्टोर या तंदूर तक नहीं है यहाँ पे, बाहर से जाके चीजें लानी पड़ती है। देखो कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बना रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं, लेकिन यार इस तरह की बिल्डिंग में तंदूर वाला बेचारा किधर अफोर्ड करेगा। एक ये यार इनकी अपनी मार्केट है, इस पे देखते हैं अगर हमें चीजें मिल जाए। खुला है अंदर बंद है? क्या चल रहा है ये ग्रोसरी स्टोर में? बंद है, वरना चल रहा होता है, वरना चल रहा होता है। कह रहे हैं मुहर्रम की छुट्टी है इस वजह से ग्रोसरी स्टोर ही बंद है। ये मुझे बताओ ना अब अगर रेजिडेंट इधर रह रहा हो तो वो किधर जाए यार, 10 किलोमीटर दूसरी सोसाइटी में जाके रोटियां लेके। अब देखो मैंने जाना इस्लामाबाद की तरफ है, इस्लामाबाद हाईवे में उस तरफ है, तो पहले तो मैं सर्विस रोड से निकल के इस रोड पे चढ़ूंगा ना जो मुंह मेरा एयरपोर्ट की तरफ हो जाएगा, फिर आगे एयरपोर्ट का इंटरचेंज पकड़ के फिर वापस उधर आऊंगा। ये इंटरचेंज जो इनके पास नहीं है ना करते हुए भी 4-5 किलोमीटर का ये ट्रिप बनेगा इधर से उधर, उधर से इधर। अब मैं यू टर्न कहाँ से लेने लगा हूँ, ये इस्लामाबाद का टोल प्लाजा जो लाहौर
लाहौर जाते हैं। इधर से निकल गए ना तो भाई हम पहुंच गए लाहौर ही सीधा, इधर से यू टर्न लेते हैं वापस। सोसाइटी इंटरनली यार बहुत अच्छी है, असल में मार पड़ गई इनको इंटरचेंज की। 10-1 मिनट मुझे गाड़ी पे लगेंगे, एक सेक्टर इधर आता है F11 इस्लामाबाद का, तो उधर से हमें हर चीज मिल जाएगी। ये देखो अब मैं रोड के इस तरफ आ गया हूँ, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वो राइट साइड पे है, तो इधर जब इंटरचेंज मिल जाएगा ना तो साथ ही निकल जाएंगे, तो 5-10 मिनट का सारा डिस्टेंस रह जाएगा। टाइम देखो ऑलमोस्ट 4 बज गए, सुबह की एक प्रोटीन बार ही खाई हुई है। किस्म की यार मुझे भी भूख लग गई है, कहीं पे जाके खाना खाते हैं, भी चीजें खाते हैं कुछ देखते हैं खाने को। पिज्जा नहीं खाना, कोई बर्गर शर्गर, ये बर्गर खाते हैं। ये बजिंगो ऑर्डर किया, ये ट्राई करते हैं आज कैसे। ये तुम लोगों को पता है कि हूँ मैं डाइटिंग पे, सही मोटा सही क्रिस्पी मजे का लग रहा है। थोड़ी केचप मुर्गी को अपने रखते हैं, इधर फ्राइज डालते हैं इसमें। मजे की बात यह है गाइस, जो शाम को हमने खाना बनाना है ना, उसके लिए चिकन वगैरह तो हमने लेना ही है, तो उसके लिए जो कढ़ाई चाहिए बनाने के लिए, जो मतलब चम्मच वगैरह हर चीज चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी लेनी है अंदर से। मॉल में जाके पकड़ते हैं यार अंदर से चीजें। ये यार अंदर सारी कढ़ाइयां देचकियां पड़ी हुई है, हमें क्या पता हमने कौन सी लेनी है इसमें से। मामा को भेजिए, मामा बताएंगे कौन सी लेनी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही गाइस। भेजिन छुरियां कहां पे होंगी, जा पूछ क्या। ये वाला चम्मच भी पकड़ लेते हैं, 2 1 प्लेट पकड़ लेते हैं यार, कोई अगर आ गया हमारे साथ खाना खाने। इतने की तो गाइस बाहर से 5 कढ़ाइयां आ जानी जितने का मैं सामान खरीद लिया। छोटे चम्मच बस रह गए, चम्मच वगैरह पड़े हैं यार, ये भी कर लेते हैं। सारा सामान ले लिए, छुरियां चॉपिंग बोर्ड प्लेटें ट्राई। सामान तुम लोग सामने इतना सा ही लिया जो तुम लोगों को दिखाया। अभी यार ग्रोसरी शुरू नहीं की, बिल तुम लोग देखो 10,000 रुपए पहले ही बन गए। तो गाइस मैंने पहली दफा जिंदगी में किचन का सामान खरीदा, तुम लोग बताओ कहीं शेख लॉक को फुदू तो नहीं लगा दिया भैया चश्मा। चलो यार अब नीचे चलते हैं ग्रोसरी का सामान लेने, वो भी पता चले 10,000 का बन जाए तो 20,000 रुपए की हमारी कढ़ाई बन जाएगी। ऑयल पकड़ते हैं सबसे पहले, सबसे सस्ता ऑयल देखते हैं। ये पड़ा हुआ यार सूफी 440 रुपए का, इसे सस्ता ढूंढते हैं। बहुत खर्चा हो गया यार, अब पैसे बचाते हैं। ये तल्लो देखते हैं, अम्मा तल्लो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, ये भी 463 का वो बॉटल होया ठीक है। सूफी ठीक है यार, नाम है तमाड़ का। आधा किलो चिकन पकड़ते हैं भाई, आधा किलो चिकन दे दे। आधा किलो नहीं मिला यार, 1 किलो मिला। सारी कैलकुलेशन ही हमारी खराब कर दी, मैंने उन्होंने कहा हाफ हाफ कर दो। उधर फ्रिज तो है नहीं, वैसे ही खराब हो जाना, तो मैंने कहा हाफ रस्ते में किसी को देते हुए जाएंगे। बड़ी मेहरबानी भाई, शुक्रिया, अब ठीक हो गए, 1 किसी को दे देंगे। नमक पकड़ते हैं, पेपर पाउडर, 2 प्याज चाहिए, धनिया थोम और मिर्च ले ली। सारा सामान ले लिया कढ़ाई के लिए, टोटल 3,000 रुपए बन गए। जो बंदा मेरी गाड़ी का दरवाजा मुझे खोलेगा ना, उसको मैं वो आधा पैकेट दे दूंगा। ये बंदा जो साइड पे जा रहे ना, इसने दरवाजा खोला फिर बंद भी किया, इसको मैं देता हूँ आधा पैकेट। ये वाला जो है ना बैल बंदे को देते हैं। भैया गोश्त चाहिए, गोश्त लेना तो ले ले, आधा पैकेट ही मैंने बनाना है, आधा वैसे ही बच जाना है तो आप रख लें, शुक्रिया। चलो गाइस हमारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। टाइम गाइस ऑलमोस्ट 6 बजने लगे और धूप देखो अभी भी इतनी ज्यादा। अफगानी नान पकड़ते हैं इधर से, फिर सीधा पहुंचते हैं अपने किचन में। अस्सलाम वालेकुम, 2 लंबे वाले अफगानी नान, ये गए थे अफगानी नान चेक करो। चलो जी अब चलते हैं अपार्टमेंट में सीधा। पहुंच गए ब्यूटीफुल होम स्वीट होम। लिफ्ट यार साथ होना भी बड़ी नेमत की बात है, नहीं तो यार इतना सामान जो इतने लंबे रास्ते से लेके जाना पड़ता। 3:50 यार इधर से मैं निकला था, 6:30 बज गए मुझे इधर वापस पहुंचते। ये इधर ही कोई साथ दुकान होती तो अभी मैं खा पी के भी फारिग होता। एसी चलाते हैं यार, बहुत ही गर्मी है। गर्मी गाइस काफी थी तो मैंने कहा खुद पहले नहा लूं ना, उसके बाद फिर मुर्गियों को नहलाते हैं। ये नान जो है ना ये हम डाल देते हैं सीधा माइक्रोवेव के अंदर, सारी चीजें इनमें से निकालू ना, जल्दी से निकालते हैं। इसको क्या तकलीफ होगी भाई, नहीं भाई साहब मसला कुछ और है। वाह साहब भजन वो चूल्हा भी नहीं चल रहा, वो कह रहा था मैं गैस ऑन कर दी नीचे से। हाँ जी सिलेंडर तो पहले से लगा हुआ था, वो नीचे से गैस उसने बंद की हुई थी, गैस तो मैंने चेक की है नीचे खुली हुई है मेरे ख्याल से। मैं इधर आ तो गया हूँ लेकिन आज का प्लान मुझे फ्लॉप लग रहा है, क्योंकि यार इधर देख लो पंखे शंखे कोई है नहीं, एसी का भी सीन ऑफ है। ये C422 कोई इधर भी एरर दे रहा है, C422 एरर अंदर वाले पे भी दे रहा है। मेरी भी पहली दफा इन चीजों पे टेस्टिंग हो रही है। जब तक वो बंदा ऊपर आ रहा है चूल्हा चेक करने, तब तक मैं सारी चीजों की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये लो यार ये जो प्लेटें वगैरह देखे हैं आज, असल में इतनी मैंने इनकी नेगेटिव चीजें बताई ना, हर चीज ही उल्टी पड़ी है, लेकिन यार बंदे अच्छे हैं, वो सॉर्ट आउट तो करवा रहे हैं चीजें। वो कह रहे हैं कि गैस के ऊपर जो रेगुलेटर लगा होता है वो शायद आपका लीक हो गया, आप कंप्लेन करवाएं तो हम सिलेंडर चेंज करवा देते हैं। कोई नहीं यार मैं अपनी तैयारियां करता हूं, बाकी सब देखा जाएगा। मैं कहा चीजें वगैरह अपनी दोष हो के रख लें, गैस आ गई तो बना लेंगे, खाना नहीं आई तो वापस चले जाएंगे अपने घर। मुर्गियाँ वगैरह यार धो लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा फैट वगैरह निकाल लेते हैं। मुझे की है यार पहली दफा पकड़ी है थाई पीस। गैस पाइप में हो सकता है पहुंच रही हो, अभी मसला लंबा लग रहा है, हो सकता है गैस आहिस्ता आहिस्ता पास हो रही हो। एसी भी यार चेक हो रहा है, अगर चल गया तो रुक जाएंगे तेरी। 2 बंदे आ गए एसी का मसला चेक करें, अल्लाह करे शॉर्ट आउट हो जाए तो इधर ही रुक जाएंगे। मुर्गी मैंने धो ली है, बाकी चीजें भी सारी इधर ही पड़ी हुई। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी वो इस्तेमाल ही गैस नहीं की थी तो वो खत्म किस तरह होगा।
एसी नहीं होना ठीक है, हवा लेकिन चलो अच्छी आ रही है क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर हैं। प्याज भी बस धो लेते हैं ना, फिर ये सारी चीजें काट के पहले ही मैं उधर रख लेता हूं। ये मुर्गी देखो यार इतनी मोटी है, इतना फैट चढ़ा हुआ है ना इसके ऊपर, तभी मैं कहता हूँ यार मैं कुछ खाता हूँ नहीं, मैं मोटा किस तरह हो जाता हूँ। ये मुर्गी के ऊपर से फैट नहीं हो सकता, घर में उतरता हूँ ना इस वजह से मैं मोटा हो जाता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को पता है यार तुम्हारा भाई इतना खाता कोई नहीं। तुम लोगों को सही बताऊं ना यार, तो मेरी तो चिकन धोते धोते ही बस हो गई। अपनी तरफ से तो मैंने उसको धो लिया था लेकिन उसके अंदर फैट इतनी थी, उसको निकाल निकाल के मुझे तो यार घंटा लग गया चिकन साफ करते करते। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है, देखो यार बताओ ये चिकन साफ हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो साफ ही है लेकिन फिर भी यार ये लेग के ऊपर ये फैट सी आ रही है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अभी ये सब्जियां भी सारी पड़ी हुई है काटने के लिए। टाइम तुम लोग देखो रात के 9 बजने लगे। खाना पकाऊंगा मैं जरूर आज, ये मेरा पहला प्याज है जो कटने वाला है। एक तो ये पता नहीं खाल किस तरह उतारेंगे यार, ऊपर से हाथ से उतार लेते हैं। हाथ से ठीक है, उन्होंने लिखा है स्लाइस्ड अनियन चाहिए मुझे। उस औरत की यार YouTube पे जो वीडियो थी वो 4 मिनट में कढ़ाई तैयार हो गई थी। मुझे देख लो यार 3 बजे का लगा हुआ हूँ, अभी तक कसम से प्याज छील रहा हूँ। सारे ये टमाटर छीलने हुए पड़े हैं, अदरक छीलना पड़ा है, लहसुन पड़ा हुआ है, मिर्चें पड़ी हैं। छील ना यार खुदा की कसम, मुझे अपने घर जाना है। ये मुझे बता दो यार कि प्याज भी काट के धोते हैं कि नहीं। स्लाइस्ड अनियन उसने कहा था, 2 स्लाइस्ड अनियन होने चाहिए। ठीक है मैडम जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। बनने की यार मुझसे कढ़ाई आज, जिस वक्त मैंने कढ़ाई बनाने का प्लान किया था ना उस वक्त मैंने कहा था यार हमारे घर में तो किचन में एसी नहीं होता, इधर मैंने कहा था लिविंग रूम में एसी है, आराम से एसी चला के कुकिंग करूंगा। उल्टा इधर पंखा भी कोई नहीं, एसी भी कोई नहीं, हवा भी अब कोई नहीं चल रही। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है तो मेरे पास अभी पेस्ट तो है ही नहीं। ये थोम पड़ी हुई है, थोम को छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर रहा हूँ ना, साथ में थोड़ी सी अदरक लेके मिक्स कर देते हैं बीच में। ये अदरक आ गई, ये लहसुन आ गया, इन दोनों को ना आपस में कर देते हैं हम मिक्स। पेस्ट नहीं बन सकता तो पेस्ट बन जाएगा ना यार, चम्मच है मेरे पास। ये बन गया यार अदरक लहसुन का पेस्ट, क्या बात है सर। फाइनली 2 से 2.5 हज़ार साल बाद हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। ये देखो चिकन, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, गरम मसाला, रेड चिली, ब्लैक पेपर। बस यार ये किचन थोड़ा सा साफ करें ना, फिर हम अपनी अल्टीमेट कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड बाय। इसमें यार चीजें फेंकते हुए डर बड़ा लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट चीज ही ना हाथ से गई तो गई। मैडम हमें कढ़ाई अभी वाली एंड वाली चीज ना दिखाओ, हमें वो चीज दिखाओ जो हमने बनानी है। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। फाइनली अब शुरू करते हैं। ये बनते हैं तकरीबन 12 टीस्पून। 1, 2, 3, 4 ही कर लो, 5, 11 बस। भाई साहब काम तो कुछ बनता जा रहा है, दूसरा स्टेप बताओ। ओ वीडियो रुकी, तेल उबलने शुरू हो गया। सही बात तुम लोग गाइस बताओ ना तो कसम से यार अभी डाटा चलना बंद हो गया, कढ़ाई लैपटॉप में तो आएगी नहीं, इधर वाईफाई तो है नहीं। यही वाली रेसिपी जिस वक्त मैं इंग्रेडिएंट्स लिख रहा था ना उस वक्त मैं सुंदर को लिख के भेज रहा था, तो वीडियो से देखना तो अब पॉसिबल नहीं है, तो इसको बस अब हम पढ़ के बना सकते हैं। पता नहीं यार क्या चीज बनती है, आज ही सारी मुसीबतें आनी थी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? दूसरा यार इसका स्टेप था एड चिकन। ये क्या स्टोरी है। बहुत ही एकदम गर्म हो गया है कढ़ाई, उस तरह की एकदम गर्म होने वाली समझ नहीं आई। 1 चम्मच हमने डालना है चिली पाउडर, 1 चम्मच है नमक, 1/4 डालना है हमने ब्लैक पेपर। इसको 5 मिनट ना हमने तेज आंच के ऊपर पकाना है, थोड़ा मिक्स हो जाए ना गाइस। अब जो हो रहा है तुम लोगों के सामने ही है, 5 मिनट इसको तेज आंच के ऊपर पकाना है, फिर इसको 10 मिनट हमने ढाम देना है, तो उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। A few minutes later। चलो जी यार 10 मिनट हो गए, अपने चिकन की शक्ल देखते हैं क्या बात है। मैडम ने कहा सारा चिकन इसमें से निकाल लो और जो ब्रॉथ रह गया ना अंदर उसको अंदर ही रहने दो, खाली चिकन की बोटियां जो है वो बाहर निकाल लो। तो हमने तो बिल्कुल चलना है मैडम के अकॉर्डिंग, जो चीज मैडम ने हमें बताई है सीधी बात है, जिंदगी में पहली दफा बना रहे हैं तो जो मैडम की 2.5 मिलियन व्यूज उन्होंने लेके रखे हैं कोई बात होगी जो 2.5 मिलियन व्यूज ही है ना। बोटियां तो यार वैसे सही से तुम लोग देखो तो फ्राई हो चुकी है हमारी। 2 प्याज डाल दो अंदर जी मैडम, बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह आपने कह दिया, उधर बात खत्म होगी, आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हल्का सा यार मैडम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे क्योंकि ऑयल हम डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैडम का जो ऑयल था ना वो ज्यादा है कढ़ाई में, हमारा ऑयल कम लग रहा है। 1/4 आप नमक डाल दो बीच में, ये लो मैडम 8 से 9 मिनट इसको पकाओ यार, सही से भून देते हैं यार। गार्लिक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसके बाद लिखा हुआ था कि 1 चम्मच चिली पाउडर डाल दें, इसको भी कर देते हैं मिक्स। एक चीज की समझ नहीं आई, मेरी कढ़ाई जो है ये नीचे से काली हो जा रही है, देखो ना नीचे से, ये देखो इधर से काली हो जा रही है, उनकी काली नहीं हुई। ये बर्तन दूसरे टाइप का, इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और 500 ml ना इसके अंदर हमने पानी डालना है, ये इतना ही होगा 500 ml।
दो मिनट और पकाना है इसको कढ़ाई को। एग्जॉस्ट लगा, मैं खुद नहीं चला रहा कि आवाज क्लियर है। अगर पानी की जरूरत पड़ गई तो फिर थोड़ा और डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इधर तक कढ़ाई की शक्ल पहुंच चुकी है। अब हमने डालना है इसके अंदर चिकन वापस, मिक्स कर देते हैं इस मसाले के साथ। मेहनत काफी होगी है, लेकिन यार कढ़ाई की असल में तुम लोगों को शक्ल दिखाऊं ना, तो कढ़ाई की शक्ल यार मजे की होती जा रही है। इसके अंदर मैंने एक ग्रीन चिली और धनिया वगैरह डाल दिया थोड़ा सा। इसके बाद मैडम ने कहा कि इसके अंदर तुम डाल दो टमाटर। टमाटर कहाँ गए, ये पड़े हुए, ये टमाटर डालते हैं इसके अंदर। ये टमाटर सारे चले गए। सॉल्ट वे वाला स्टाइल तो हमारा ही क्या, नमक डालने वाला। कढ़ाई जो है गाइस अपनी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने लगी। लुक चेक करो यार, अदरक डालनी है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह शेख साहब वाह। थोड़ा सा हमने इसके अंदर डालना है धनिया। उफ, 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 उफ। दो एक मिनट मिक्स करना है और कढ़ाई गाइस हमारी तैयार है। कसम से यार चेक करो, खुदा की कसम मजाक नहीं कर रहा, क्या चीज लग रही है। लास्ट में थोड़ा सा हमने डालना है इसके अंदर बटर। अब से सारे रेस्टोरेंट्स फेल हैं, अब से मैंने सिर्फ अपने हाथ की बनी हुई कढ़ाई खानी है, या तो यूट्यूब से देख देख के कढ़ाई बनानी है। खुदा की कसम मजाक नहीं कर रहा यार, कसम से क्या ये मसाला लग रहा है यार, ये तुम लोग चेक करो। चूल्हा उन्होंने कहा था आखिर में हल्का सा तेज कर दो, कसम से मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही मजे की कढ़ाई लग रही है। चूल्हा नीचे से कर देते हैं हम लोग बंद, क्या मजे की चीज है। जब से यार मैं काम कर रहा था तब मुझे गर्मी नहीं लगी, जैसे ही मैंने काम खत्म किया ना एकदम मुझे है पता नहीं क्या हुआ, एकदम इतनी ज्यादा गर्मी लगने शुरू हो गई। अभी यार खाना खाया कोई नहीं है, पहले मैं किचन साफ कर रहा था, मैंने क्या किचन साफ कर लूँ ना, वरना खाने के बाद दिल नहीं करता कि इतने बर्तन बंदा धोए। नान गर्म करते हैं, ये कहाँ से ऑन होगा यार, माइक्रोवेव इधर से नहीं है मेरे ख्याल से, इधर से ये ऑन हो गया। माइक्रोवेव की भी टेस्टिंग पहली दफा हो रही है एसी की तरह, पता चले यार ये भी कोई धोखा दे जाए यार, तू धोखा ना दे यार। कहाँ से स्टार्ट होगा 30, 59। तब तक दुनिया की सबसे यमीस्ट कढ़ाई यार हम डालते हैं। उफ, 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 यार चेक करो क्या मजे का मसाला, कसम से लगता है बट कढ़ाई बना दी है मैंने। खाना गाइस यार तुम लोग चेक करो, सही मजे का, सही मसालेदार यार कसम से कढ़ाई बनी है। देखो यार बाइट सही भरा हुआ है चिकन मसाला, बॉम्ब, बहुत ही मजे की सही मिर्चों वाली और बोटी के अंदर तक मसाला गया हुआ है, यहाँ तक के जो ग्रीन चिलीज है उसकी और यार बड़ी स्पाइसीनेस आ रही है। हल्का सा भी ऑयल देखो साइड पे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मसाला ही मसाला नजर आ रहा है। उफ यार बहुत ही मजे का। इधर यार अगर किसी चीज की कमी है ना, थोड़ा सा अगर साथ रायता हो जाता ना तो मजा ही आ जाता, और दूसरा यार एसी या पंखा हो जाता तो काम बन जाता। गर्मी से देख लो मेरा हाल क्या हो गया, इधर आज रहना ना बेवकूफी होगी, तो मैं ये बेवकूफी तो नहीं करने लगा। देख लो यार किचन वगैरह मैंने सब कुछ साफ कर दिया, ये कढ़ाई जो है हम घर ले जाते हैं। टाइम तुम लोग देख लो, इस वक्त रात के 11:10 हो गए, हमें घर पहुंचते पहुंचते आराम से 12 बज जाएंगे। अगर मामा उठ गए तो मामा को लाजमी अपनी कढ़ाई टेस्ट करवाएंगे। पहले ये सामान सारा गाड़ी में ले जाता हूं ना, उसके बाद फिर वापस आके कढ़ाई और नान ले जाऊंगा। फीलिंग यार इस वक्त इस तरह की आ रही है कि किसी बुरे होटल से चेकआउट कर रहा हूं। ओए रुक जा यार तू, मान लगते हैं यार गाड़ी में जल्दी से। अपनी गैस भी यार इधर से बंद कर देते हैं। बीच में जिस वजह चूल्हा नहीं चल रहा था ना, उस वक्त इन्होंने गैस का सिलेंडर चेंज किया, तो मैंने कहा यार पहला सिलेंडर मैंने आज तक यूज ही नहीं किया, वो किस तरह खत्म हो गया। कहते हैं वो जिस तरह मर्जी लीक हो गया, जो हो गया वो आपका था, उसके मैंने 4,000 रुपए इन्हें और दिए। मैंने इन्हें बताया था कि गैस का कनेक्शन चलाया भी आपने था, बंद भी आपने किया था, मैं तो आया इधर 2-3 महीने बाद हूँ, तो गैस किस तरह खत्म होगी। कहते हैं लीक का हम कुछ नहीं कर सकते, अगर लीक होगी है या पता नहीं जो भी यार छोड़ो कोई बात नहीं, दिन ही आज खराब जा रहा है मेरी कढ़ाई के अलावा। गुड नाइट ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। मेन से यार हमेशा मैं बंद कर देता हूँ जाते वक्त। मैं कोशिश पूरी किया कि तुम लोग को इस जगह का फर्स्ट पर्सन रिव्यू दो जो मैं फील करता हूँ। अगर सोसाइटी की सर्विसेज को मैं रेट करूँ ना तो मैं 10 out of 10 दूंगा, लेकिन यार ये जो इंटरचेंज का मसला है ना, ये देखो यार कितनी खौफनाक सी सड़क है, अकेले कोई लड़की जा रही हो किसी वक्त तो क्या ही पता है। अभी जाके वो मोटरवे के टोल प्लाजा के पास से जाके हम यू टर्न लेंगे। ये देखो यार ये रोड है, मेरी गाड़ी की अपनी लाइट्स ऑन है, ये देखो अगर लाइट्स ऑफ कर दूं ना क्या ही नजर आता आगे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं कोई कुछ नहीं। क्या कहते हो गाइस सीधा लाहौर मोटरवे पे ही ना चढ़ जाए। चलो ये हवेली भी गाइस कम खौफनाक नहीं, अंधेरा देखो कितना ज्यादा हुआ हुआ इधर। हम अंदर जाके देखते हैं, अगर मामा उठी हुई है ना तो मामा को अपनी कढ़ाई ट्राई करवाते हैं। पापा भी उठे हुए, मामा भी उठी हुई है, दोनों से टेस्ट टेस्ट करवाते हैं कि कैसी बनी है हमारी कढ़ाई। पापा कढ़ाई बनाई है मैंने, ट्राई करके बताएं कैसी है। वाह वाह शक्ल तो बड़ी सोहनी है, खूबसूरत लग रही है यहाँ पर तो। फर्स्ट क्लास, आइंदा तू भी बनाएगा। नहीं शक्ल तो वाकई बाजार वाली बनी हुई है, बहुत अच्छा। अपार्टमेंट का एसी ठीक करवाना है, और यार तुम लोगों का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी कि आपका अपार्टमेंट किस जगह पे, उसका भी आंसर तुम लोगों को मिल गया होगा। अब यार मुझसे ये ना पूछना कि अपार्टमेंट हम लें या ना लें, यार ये तुम लोगों का अपना डिसीजन है, मैंने तो तुम लोगों को बिल्कुल फर्स्ट पर्सन रिव्यू दे दिया। हाँ तुम लोगों को एक चीज बता सकता हूँ, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके।